नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सहरसा में रेलवे ओवर ब्रिज की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं और लोग जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। अब जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये सहरसा की है और सहरसा में इस तरह की जाम जो है आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसको लेकर वहाँ के लोगों ने ये आवाज़ उठाई है ट्विटर के माध्यम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्वीट किया गया है 5 जनवरी 2024 को शाम में ये ट्वीट किया गया है और ट्विटर अभियान जो है चलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सहरसा को चाहिए ओवर ब्रिज। आप ये देख सकते हैं अलग अलग बैनर, इन बैनरों को लेकर जो है ट्वीट किया गया है, रीट्वीट किया गया है। तो सहरसा में जाम की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। जब भी यहाँ पर कोई ट्रेन आती है या फिर यहाँ तो ट्रेन जो है वो आती ही रहती है, क्योंकि रेलवे के स्टेशन के पास ही जो है यहाँ पर रेलवे फाटक है और जिससे हमेशा जो है बैरियर जो है गिरता रहता है और इससे हमेशा जो जाम की स्थिति बनी रहती है और इससे लोगों का वक्त जो है अच्छा खासा बर्बाद होता है। तो लगातार यहाँ पर ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको इस बात की जो है कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से लोग जाम में जो है वो फंसे रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं लेकिन वो जाम से निकल नहीं पाते और उनका वक्त जो है वो बर्बाद होता है। तो बुरा हाल है सहरसा वासियों का और लोगों का कहना है कि वक्त हमारा बर्बाद होता है और हम ही यहाँ पर रहते हैं और ये जाम की समस्या जो है वो हम ही को होती है, बल्कि किसी और को नहीं। तो ये समस्या है सहरसा की और ये हमेशा से समस्या रही है। यहाँ पर ओवरब्रिज की मांग जो है वो लगातार की जा रही है और सहरसा में वॉशिंग पिट के निर्माण में हो रही देरी के वजह से ट्रेनों के परिचालन में भी दिक्कतें हो रही है। लगातार ईस्ट सेंट्रल, हाजीपुर और समस्तीपुर डिवीजन द्वारा निरंतर निरीक्षण के बाद नवंबर तक बनने वाला वॉशिंग पिट लाइन अब जो है 31 मई को पूरा होगा। पुणे की एजेंसी के द्वारा जो है किए जा रहे काम में आ रही बाधाओं को दूर करें और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप ये देख सकते हैं, अभी आप समझ सकते हैं कि ये कब तक पूरा हो सकता है। ये तस्वीरें आपके सामने है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।